नमस्कार दोस्तों, निरोग जीवन संस्थान के यूट्यूब चैनल आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिल्का से आ रही है। फाजिल्का में आज अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर जिला प्रशासन द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में फाजिल्का के डीसी सरदार मनप्रीत सिंह छतवाल तथा एसएसपी दीपक हिलोरी विशेष रूप से शामिल हुए, जिन्होंने आज नशा विरोधी जागरूकता सेमिनार में अपने संबोधन से लोगों को न सिर्फ जागरूक किया बल्कि नशे को जड़ से उखाड़ देने की शपथ ली। किस प्रकार से यहां पर जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर एक सेमिनार का आयोजन करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है, आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। फाजिल्का के अनंत पैलेस में यह कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत नशा विरोधी शपथ ग्रहण करवाकर की गई। देख प्रकार से यहाँ पर जिले के प्रशासनिक अधिकारी तथा विभागों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। तकरीबन 9:30 बजे तो फाजिल्का जिले में नशा मुक्ति संबंधी सेमिनार लगाया गया। पंजाब सरकार दिया है तारा मुताबक सब तो पहला था इस बारे सौ चुकी गई, जिस से सारिया ने प्रण किया कि वह नशे को जड़ों उखाड़न लई हर संभव कोशिश करेंगे। उस तो बाद वक्त बुलाया ने जिन्हों हेल्थ महकमा, सैनिटरी महकमा, सैनिटेशन महकमा, फूड सप्लाई महकमा आदि महकमे शामिल हैं। उन्होंने अपने अपने जोड़े वडमुले एक्सपीरियंस है उस तो लोगों को गाइड किया। बहुत ही खुशी की गल है कि लोगों ने बड़े ध्यान नाल इस प्रोग्राम इस सैमीनार शमूलीत की है। खासकर जो डॉक्टर साहब ने जो सैक्रेटरिस्ट है साढ़े उन्होंने जो गाइड किया है लोगों को बड़े ध्यान ना सुना। तो मेरे सारों को अपील है पूरे जिले के बछिंदे उन्होंने कि नशे को उखाड़न लई असी हर संभव कोशिश करनी है। तो ये इंश्योर करना है कि साडे गली, साडे मोहल्ले, साडे दफ्तर, साडे स्कूलों, साडे कॉलेज कित भी कोई अजा जरा युवक है वो नशे करता जो पाया जाता है आपां उसका नशा छुड़ाना है। तो जे कोई नशा करन च इनवॉल्व है, नशा करवाउण च इनवॉल्व है अगर उसनों आपां जिहड़ी साडी पुलिस है 24 घंटे जागरूक है उससे उसनों जानकारी दे। सर जो नशा बेच रहे हैं वह प्रमोट कर रहे हैं, सर उन्होंने की मैसेज देना चाहोगे? इस बारे पंजाब सरकार की मुहिम बड़े जोर शोर न जारी है। नशा तस्करों को बड़ी गंभीरता नाल पढ़ के अंदर किया जा रहा है। तो इस बारे पूरा प्रशासन पुलिस प्रशासन मिल के कार्रवाई जी कर रहा है। फाजिल्का के अनंत पैलेस में आयोजित किए गए नशा विरोधी सेमिनार में आज बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। दिक्कत से बड़ी संख्या में समाज सेवी संस्थाओं के लोग यहां पर पहुंचे हुए, इसके साथ ही फाजिल्का के आम शहरी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे, जिनके द्वारा यहां पर नशा नहीं करने की शपथ ग्रहण की गई। इसके साथ ही यहाँ पर हर सहयोग पुलिस व प्रशासन को देने की बात भी आम लोगों द्वारा की गई। दिक्कत से फाजिल्का में जिला प्रशासन द्वारा एक नशा विरोधी सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में फाजिल्का के डीसी मनप्रीत सिंह छतवाल, एसएसपी दीपक हिलोरी सहित फाजिल्का के डीएसपी जगदीश कुमार, एसडीएम सुभाष कटक, एडीसी रुपिंदर पाल सिंह भी यहां पर उपस्थित रहे। देख प्रकार से यहां पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। फाजिल्का के अनंत पैलेस में आज जिला प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर एक जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया, आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। अज जिहड़ा आपां इह सैमीनार कर रहे हैं भावें यह दिवस अज दा इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स डे दे वजों सारे संसार दे विच मनाया जा रहा अज दे दिहाड़े नूं, पर पंजाब दे विच एक बहुत ही अजीब ते दुखदाई चैप्टर आ गया। किसे वेले पंज दरियावां दा ਇਹ ਸੂਬਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗੀ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ
एक ड्रग अफेक्टेड स्टेट एक सूबा आलमोस्ट कंसिडर ही कर लिया गया। हुण जे ये स्थिति आ गई है तो पंजाबियों की यह हिम्मत होंदी है कि जिहे जी मर्जी संकट आवे तो उस संकट के विचों निकलण दी ते आपदे सहकर्मी आपदे सहपाठी आपदे गुआंढी आपदे महल्ले नूं आपदी पंचायत नूं पूरा सहयोग देण दा उह दम रखदे ने। यही पंजाबीयत दी एक पछाण है सारे संसार दे विच। हुण डॉक्टर साहब ने दस्या किवें आपां साल अगर सिगरेट भी पीता घर में आता है तो पता लग जाता है, कोई शराब पी कर आएगा वही पता लग सकता है, और जो बड़े नशे हीरोइन हो गया या और भी जो ड्रग्स हैं वो तो बात छुप नहीं सकती इसी हालत में। तो अगर फैमिली अगर स्ट्रांगली इस बात को डील करें और इनिशियल स्टेज पे चेक कर लें तो ये सोल्यूशन तो नहीं से मिल जाना। अगर आप इस बात को लाइटली लेंगे, बच्चे आपके फ्रेंड सर्कल कौन है, किससे मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, पीयर ग्रुप में कौन कौन, में अगर ये बात आपको नहीं पता है ये कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। कैजुअल एटीट्यूड अब नहीं चलेगा। मैं दो एग्जांपल देता हूँ। इससे पहले मेरी पोस्टिंग नवाशहर में थी, वहाँ काफ़ी अच्छी गहनारे फैमिली थी, उनका बेटा रहता था बंगा एरिया में रहता था, रिश्ता वहाँ रहता था, सारी फैमिली कैनेडा में सेटल थी। मंथली वो 1-1.5 लाख रुपये बच्चे को भेज देते थे। बच्चा दिन से उनका बेटा जिसका 25 साल का लड़का था वो अपनी ज़मीन वगैरह देखता था, और 1.5 लाख रुपए करता क्या था, ना तो उसकी शादी हुई ना कोई फैमिली थी, मतलब चलो कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ खर्चा करना, अपने शौक पूरे करने थे, किसी ने चेक किया नहीं, धीरे धीरे ड्रग्स की आदत पड़ गई। हीरोइन काफ़ी कॉस्टली मिलती है, मतलब 3,000 पर ग्राम जो नॉर्मली हर जगह जो ये इसका रेट है, मतलब ये ऐसे कैसे हो सकता है आप बच्चे को इतना पैसा दे दें उसको मतलब फीडबैक ना लें। अल्टीमेटली ड्रग ओवरडोज से एक बार उसकी डेथ हो गई। फैमिली मेरे पास है, पुलिस वाले काफ़ी उन्होंने मतलब बोला कि पुलिस ने सख्ती नहीं इस करके हो गया, लेकिन चलो ठीक है, वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलो। लेकिन मेन इसका इस डेथ का कॉज क्या था, फैमिली ने चेक नहीं किया। आप इतना पैसा दे रहे हो बच्चे को, चेक तो करो क्या करता है उसका। दूसरा एक फाजिलका इंसिडेंट है, मेरी पिछले 15 दिन पहले की बात है, आदि हो चुके और नहीं हट रहा। इस बारे में सारे में गुजारिश करना चाहना है कि साढ़े ओट सेंटर ते रीहेबिलिटेशन सेंटर पूरी तरह इसलिए सक्षम ने कि वह किसी भी बच्चे का नशा जरा छुड़वा सकते हैं। कुछ समय लिए जो बच्चा उत्थे दाखिल रहेगा उस हिसाब न उसका इलाज किया जाएगा। साढ़े जिले से क्वालिफाइड सैकटरीज क्वालिफाइड डॉक्टर इसलिए मौजूद ने, यह हो ही नहीं सकता कि वह नशा ना छे। बस एको गुजारिश है कि उसनों आप ही रखना है जिस हिसाब न डॉक्टर साहब कहे, नशा ना छड़न वाली कोई होर गल हो ही नहीं सकती। मैं खुद एक डॉक्टर हाँ, मैं गल समझदा कि कुछ छुड़ाना मुश्किल है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए बच्चा नशा डेफिनेटली छड़ जाएगा। कोई दुनिया का ऐसा नशा नहीं अज तक जिहड़ा छड़िया ना जा सके, बशर्ते कि बच्चे के अंदर पूरी विल पावर होवे, उसके घरदिया की पूरी जिहड़ी इच्छा शक्ति होवे। एक होर सज्जन कुछ कहना चाहते थे, प्लीज़ अगे आओ जी। प्रेस मीडिया वाले प्यार पर सत श्री अकाल जी। नशा नशे ने रोण की जवानी मेरे देश की बड़ी हुई जाती है जी, हानि मेरे देश की। नशे ने रोण की जवानी मेरे देश की बड़ी हुई जाती है जी, हानि मेरे देश की। इनू बैन एक करा लो, मेरे रंगले पंजाब दे वारसों, पंजाब नू बचा लो, पंजाब नू बचा लो। दोस्तों नशा एक बहुत ही लाइलाज बीमारी है, सोचा जाए नशे का इलाज भी हैगा, लेकिन असं लोग छपाने हैं, साढ़े बच्चे भी कुछ ना कुछ इदा के बंदे बैठे होंगे जो ड्रग्स के आदि होंगे। लिखा दीवारों पर बड़ा सोहना लगता है, लैक्चर देना या सुनना बड़ा वधिया लगता, पर सानू अमल करने की लोड़ है। इसलिए नशा ये नहीं है कि यहाँ कोई असी रोकथाम नहीं, रोकथाम हैगी है, साडा प्रशासन बहुत वधिया काम कर रहा, बट कितने ना कितने यहोजे कुछ लोग ने जिहड़े नू प्रमोट करते हैं। साडे बच्चों असी खुद प्रमोट करते हैं, जो घर के बाप नशा करता कहता वो बोतल लेके आ मैं पीनी हाँ, तो बच्चा चक के अंदरों लैके आता है, कदे ना कदे एक दिन वो सोचूगा भी मेरे पापा का सवाल देखते तो कहीं मैं भी देखूँ। जरदा जरदे की पूरी लोग हट्टी से मंगाते हैं जोड़े पिंडों जो भी, वो बच्चा देखता भी इदा भी की चीज़ आ, असी जिम्मेवार हाँ।
उस तो बाद जो सा प्रशासन है वह किमें जिम्मेवार है विद प्रूफ मैं डिस्कस कर सकता इस चीज़ पर विद प्रूफ मैं बहस कर सकता इस चीज़ पर कि कितना कि सा प्रशासन भी करप्ट है। कुछ लोग साढ़े पिछे जो एक दो केस होए ने जोड़े फड़े गए हैं 500 गोलियां एक डाक्टर तो फड़ी जाती है तो जो वो स्टेटमेंट परचे के आती है तो वे टोटल 20 गोलियां पाई जाए। साडा जी ओ जी साहबान सूबेदार हरभजन सिंह प्लीज पिछले सैमीनार समय ड्रग इंस्पैक्टर 400 गोली डाक्टर को फड़ के देंगे तो साढ़े ड्रग इंस्पैक्टर साहब ये जवाब देंगे ने कि जी असं कोई कार्रवाई नहीं कर सकते साढ़े तो पोलीटिकल दबाव क्यों जी जो असी लोगों ने जॉब ज्वाइन की जिन्हें भी बैंकधारी ने साढ़े सीनियर अफिसर चबान ने असी कसम खाधी सी कि असी साडा जिहड़ा देश है उहदा कानून है उहदी दिल तों तन नाल मन नाल हवा के रास्ते पानी के रास्ते उहदी सेवा करांगे। पर कित ना कित असी लोग उस चीज़ नूं अखों परोखे करता असी उस चीज़ नूं नज़रअंदाज करता। प्लीज़ ये ना सोचो कि कल किसी का बच्चा नशे में लगे। असी ऑफिस तो घर जाने तो जाते ही पानी का गिलास पीता तो मोबाइल चक्या अज के किन्ने मैसेज आए हैं की फेसबुक है बच्चे बैठे है बच्चे आधे मोबाइल च लग गए हैं असी बच्चों टाइम नहीं दे पाते। बच्चे कहें पापा मेरे नाल पार्क चलो तो पापा कहें बेटा तू ही कर मम्मा नू ले जा या अपने दोस्तों नाल चला जा मैं थोड़ा बिजी हाँ मैनू माड़ा जिहा काम है बाजार जाना असी खुद बच्चों नू टाइम नहीं दे रहे जिहड़ा कि सानू टाइम देना चाहिए असी टाइम कितने होर डिवोट कर रहे हैं। असी ये तो कह दें मैं बहुत बिजी हाँ पर यार की बिजी हो तुसी देखो तुसी अपनी लाइफ स्टाइल नू किस तरह बना लिया है तुसी अपने पेरेंट्स के नाल बैठो असी न्यूक्लियर फैमिलीज के बच्चे हैं अजकल असी की करते हैं ऑफिस तो कर गए अपना कोई होर काम किया बच्चे नू टाइम नहीं दिता जब बच्चे के कोल बैठांगे बच्चे के नाल पूछांगे बेटा अज स्कूल की होया किस तरह आ रहा तेरे फ्रेंड्स की है जो वह बर्थडे आ जाता असी कहते हैं चक पैसे पुत जा होटल जाके पार्टी कर रहा वो दिन गए जो असी घर के हैप्पी बर्थडे वाले कार्ड लिया के घर लगाते सी केक घर बनवाते सी असी खुद पार्टी घर करते सी अज वो दिन खत्म हो गए बहुत रेयर ने जिथे पार्टियां घर च होंगे ने अज असी बच्चे खुद पैसे देने तो कहने जा ऐश कर जो बच्चा सोसाइटी चला जाता है उस तो बाद सानू नहीं पता वो बीयर पी के आ रहा स्मोकिंग करके आ रहा की हो रहा है साडा फर्ज बनता है असी बच्चे दे नाल पूरा टच च रहिए ता जो सानू पता लगे साडा बच्चा किहड़ी डायरेक्शन जा रहा। मेरे एक ऑफिसर फ्रेंड्स ने एक दसिया कि असी बच्चे नू प्रेशराइज किया होया बिल्कुल सही किया है प्रेशर ना करो अज का टाइम असी अक्सर देखते हैं कि असी एक ही दो लाइन ही चूज की हुई बच्चे नू उधर पाओ ना बच्चे का इंट्रस्ट देखो जिहड़ी डायरेक्शन जा रहा है जस्ट बच्चे नू माहिरता होनी चाहिए है ना कि एक शीप वाक जे सारे मेडिकल रख रहे हैं तो सारे ही डॉक्टर बन जाएंगे तो बाकी फील्ड्स की हो गया सो उहदे इंट्रस्ट के अकॉर्डिंग उहदे जिहदे विच उहदी परफेक्टता है उहदे अकॉर्डिंग उस लाइन नू उहनू जान दिओ प्रेशर ना करो ज़्यादा कुछ ना कहिंदा होया।